मैं अश्विनी कुमार शर्मा, मैं अभी ओडिशा जगन्नाथ टीम का हेड कोच हूँ। स्ट्रेटेजिक पॉइंट यही है कि अपने को अपोनेंट के जो वीक पॉइंट है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको देख के उनके हिसाब से अपने को स्ट्रेटेजी बनानी है। प्लेयर को, अपनी टीम को उनके जो वीक पॉइंट है उनके ऊपर स्कोर लेना है, किस तरीके से लेना है, और उनके जो प्लस पॉइंट है उसको काउंटर कैसे करना है, तो ये सब चीज़ों का स्ट्रेटेजी बना के और अपनी टीम को अपने ऊपर लेके जाना है। शुरुआती जो खो खो थी वो बिल्कुल अलग थी, ग्राउंड भी अलग थे, रूल्स अलग थे। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ा, इसके अंदर काफ़ी बदलाव आए, रूल्स के अंदर चेंज आए, मेजरमेंट में चेंज आए, और अब जो अल्टीमेट खो खो लीग शुरू हुई है इसके अंदर तो बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज है, मेजरमेंट चेंज है, रूल्स चेंज है, नई नई रूल्स इसके अंदर डाले गए हैं। माइंड गेम ही है खो खो, सिर्फ भागना भागना खो खो नहीं कहलाता। मैंने बताया कि जैसे सामने वाला जो प्लेयर जिस तरीके से खेल रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना और उसका काउंटर करके और उसका स्कोर लेना, उसको ये सारा माइंड गेम ही है। सबसे पहले तो मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का थैंक्स करूँगा जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और हेड कोच सेलेक्ट किया। ये एक जो उड़ीसा जगन्नाथ टीम है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट जो कि एक अपना विशुद्ध भारतीय एक इंडिजीनियस गेम है उसको प्रमोट कर रही है अपने जो स्टेट के अंदर है, उन्होंने काफ़ी जो ट्राइबल्स बच्चे हैं उनको इस गेम से जोड़कर और इस गेम को ऊपर उठाने में काफ़ी काम किया है। मुझे इस टीम से जुड़ के बहुत खुशी हो रही है।